गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अनबॉक्स हैप्पीनेस विद मी विजया। टुडे आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि आज है संजू का बर्थडे। बंगाली रिचुअल से बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, वो सारा बंदोबस्त किया है। अभी मैं बाहर गई थी, मुझे ध्रुव मिला था। ध्रुव और धान से हम लोग पहले आशीर्वाद करते हैं, खीर खिलाया जाता है बर्थडे, जो जिनका बर्थडे होता है। और पता नहीं क्यों कुछ सालों से मैं देख रही हूँ संजू का बर्थडे नवरात्रि के बीचों बीच पड़ जाता है। तो लॉकडाउन पिछले जब स्टार्टिंग हुआ था लॉकडाउन का, कोरोना के स्टार्टिंग में, उस टाइम भी ऐसे ही सेम कंडीशन हुआ था। कहीं से कुछ नॉन वेज का अरेंजमेंट नहीं कर पाए। बंगाली सारे ओकेजन में नॉन वेज तो मेन होता है और संजू का फेवरेट ही है, तो वही नहीं बना पाऊँगी। तो खैर वेज लंच का प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ संजू के लिए। वो लगभग 2-3 बजे आएंगे, समायरा स्कूल गई है, वो भी उस टाइम आ जाएगी। तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ, अभी मैं किचन की तरफ जा रही हूँ संजू के लिए, जल्दी जल्दी से लंच प्रिपेयर कर लेती हूँ। शाम के लिए भी कुछ डिफरेंट सोच के रखा है मैंने। आई जस्ट होप मैं कर पाऊँ संजू का बर्थडे सेलिब्रेट। वो बहुत ही बिजी हैं, रात स्पेंड नहीं कर पाए, तो शाम का प्रोग्राम बहुत जल्दी हम लोग करेंगे। कोशिश करेंगे आज का दिन अच्छे से हम लोग सेलिब्रेट कर पाएँ। तो वीडियो में बने रहिए फ्रेंड्स, कुछ मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड्स, बिकॉज इट्स टोटली फ्री। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड गिव इट अ थम्स अप इफ यू लाइक माई वीडियो। तो हर बार ही संजू के लिए नॉन वेज थाली प्रिपेयर होता है, लेकिन पहली बार संजू के लिए वेज थाली प्रिपेयर होने वाला है। तो संजू का फेवरेट चने वाला जो सब्जी है वो ऑलमोस्ट बन चुका है। इसमें थोड़ा सा बस अभी धनिया कुछ डालूंगी तो ये हो जाएगा रेडी। और थोड़ा सा शायद इसको करना पड़ेगा ताकि इसका थोड़ा सा ये जो करी है ना ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए, हल्का हल्का सा ड्राई हो जाएगा तो बस ये रेडी हो जाएगा। खीर लगभग हो ही गया है, इसमें इलायची काजू किशमिश डाल के इसको मैं अभी बंद कर दूंगी। तो ऑलमोस्ट सब कुछ बन चुका है, अभी लास्ट में मैं अभी बनाऊंगी नवरत्न फ्राइड राइस। इसके लिए बहुत टाइप के जो सब्जी है काट के रखा है, पनीर है, काजू किशमिश है। नवरत्न फ्राइड राइस के लिए मैं काजू किशमिश और जो वेजेस मैंने काट के रखे थे और पनीर, उसको एक साथ थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी प्री कुक्ड राइस और फिर अच्छे से उसको मिक्स कर लूँगी। तो सारे वेज आइटम थाली में सजाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया। फ्राइड राइस होते ही मैं थाली को सजाना शुरू कर दूंगी। खीर, मिक्स सब्जी, चना और पनीर वाला आइटम बनाया मैंने थाली के लिए। अभी गरम गरम पूरियां तलने वाली हूँ क्योंकि संजू पहुंच चुके हैं घर। वैसे ये रिचुअल तो सुबह सुबह करना चाहिए, लेकिन तो अभी टाइम मिला है ये सब रिचुअल करने का, तो जल्दी से मैं थोड़ा सा ये सब कर ले रही हूँ और इसके बाद ही संजू को लंच मैं दे दूंगी। बेचारे संजू इतने भूखे होते हुए भी थाली सामने परोसी गई, फिर भी वो नहीं खा पाए क्योंकि मुझे बहुत सारे फोटोज़ लेने थे, वीडियोस लेने थे। मैं उनको बस बोल रही थी थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, बस मैं अभी कर लेती हूँ, अभी कर लेती हूँ। तो खैर हमने भी जल्दी जल्दी संजू के साथ ही लंच कर लिया। समारा तो संजू के साथ ही खा रही थी, मैंने भी लंच किया। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद संजू ऑफिस चले गए और मैं यहाँ लग गई शाम की पार्टी की तैयारी करने के लिए। खैर हमारे पार्टी के हम तीनों ही गेस्ट हैं, हम तीनों ही अपने में ही पार्टी करेंगे। तो यहाँ मैं कैनोपी बनाने का कोशिश, हाँ मैं बेड के ऊपर ही कैनोपी बना रही हूँ।
तो मैंने इसके लिए अपना एक वाइट साड़ी का यूज़ किया है। मैंने ये कैनोपी का आइडिया यूट्यूब देखकर ही सीखा है। मैंने सोचा था पहली बार कि ये बहुत ही इजी होगा, लेकिन ये इतना भी इजी नहीं था। काफ़ी देर मुझे लगा इसको ठीक ठाक करने के लिए। अभी मैं इसमें थोड़ा सा कुशन वगैरह लगा रही हूँ। ये मैंने अपने दीवान सेट से ही निकाल के लाई हूँ। मैं ये कुशन मेरे फ्रंट वाले रूम में रहते हैं, आपने मेरे काफ़ी सारे वीडियो में देखा होगा। तो कैनोपी के दोनों तरफ से अभी मैं लाइट लगाने वाली हूँ। वैसे तो मुझे लाइट वाला काम करने में बहुत डर लगता है, लेकिन स्टिल मैंने ट्राई किया और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। गाइस मैं क्या बताऊँ। तो जब दोनों तरफ से लाइटिंग जल रही थी, बहुत ही प्यारा लग रहा था दिखने में। अभी बस इसके ऊपर से थोड़ा सा मैं बलून वगैरह लगा दूंगी। तो मैंने देखा है कैनोपी वाले एरिया में थोड़ी हल्की हल्की सी लाइट आए तो ही उसका लुक बहुत ज़्यादा उभर के आता है। तो कैनोपी तो जैसा मैंने सोचा था उससे काफ़ी बेहतर लग रहा है। और जब लाइट बंद करके इसको मैं ऑन कर रही हूँ, इसकी जो लाइटिंग है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। शायद कैमरा से उतना अच्छा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे से अच्छा इसका जो वीडियो में इसका जो लुक आ रहा है वो असली में जैसा लग रहा है वो एक्चुअली में वीडियो में भी देख के वैसा लगे। संजू आ गए हैं। केक हम लोग कल बाहर गए थे, कल ही लेकर आ गए थे, क्योंकि आज संजू का नाइट शिफ्ट है। वो कैसे भी करके आज केक का बंदोबस्त तो कर ही नहीं पाते हम लोग, तो कल ही हम लोग लेकर आए थे। फ्रिज में रखा है। तो रास्ते में मुझे एक दो बार बारी ऐसा लगा कि शायद केक लग गया हो या इधर उधर क्रीम लग गया, अभी पता नहीं, खोलूँगी तो पता चलेगा। तो अभी थोड़ा सा अपना हुलिया थोड़ा ठीक कर लेती हूँ। बर्थडे है भाई हस्बैंड का, थोड़ा सा मेकअप वेकअप थोड़ा सा तो सजूंगी ही मैं। फेस का हालत बहुत ख़राब है, गर्मी ऑलमोस्ट थोड़ी थोड़ी पड़ने लगी है। दोपहर के टाइम लगती है गर्मी, तो फेस वॉश करके आती हूँ मैं। बहुत ऑयल आ गया है फेस में, तो थोड़ी देर में मिलते हैं फ्रेंड। तो मैं तैयार हूँ, समायरा भी रेडी हो गई है। कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताना। बर्थडे बॉय इधर आओ, इधर आओ। देखो तुम्हारे लिए इतना मेहनत से मैंने डेकोरेशन किया, कैसा लगा तुमको? मस्त लगा, मस्त। अच्छा, थैंक यू, मेरा मेहनत सफल हुआ। तो संजू मुझे बार बार बोलता जल्दी करो जल्दी करो, तो इसलिए हेयर भी बहुत ही सिंपल तरीके से किया है। मेकअप भी बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत सिंपल तरीके से ही सजी हूँ मैं। तो थैंक गॉड केक तो बिल्कुल सही सलामत है, बस इसमें वाटर ड्रॉपलेट आ गए हैं क्योंकि हमने इसको फ्रिज में रख दिया था। तो बस यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, बस तभी एक फ़ोन आ गया और संजू एकदम हड़बड़ी करने लगे कि नहीं अभी जाना है, अभी जाना है, अभी जाना है। तो जैसे तैसे हमने केक कटिंग किया और इतने संजू जल्दीबाजी में थे कि कैंडल ब्लो करने के पहले ही उन्होंने केक कट करना शुरू कर दिया। जैसा सोचा था वैसा नहीं हो पाया। संजू को जल्दी जल्दी अभी भागना पड़ रहा है, उसका उनका ड्यूटी है आज। तो जैसे तैसे केक काटा, फोटो वोटो कुछ अच्छे से किया, कर नहीं पाए, वीडियो भी नहीं कर पाए। गर्मी इतना लग रहा है कि पसीने छूट रहे हैं। तो कुछ और ही सोचा था बट अभी ऐसा ही करना पड़ रहा है। अभी वो खाना खा के जल्दी से भागेंगे, ड्रेस चेंज करने गए हैं वो। तो या गाइस, आज हस्बैंड के बर्थडे स्पेशल ब्लॉग में कुछ इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बहुत ही हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करना ना भूले। फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।